नारकोटिक सेल की ओर से अमृतसर के चौक फरीद में गुप्त सूचना के आधार पर आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर छापेमारी की गई, जहां से काफी मात्रा में देसी दवाएं और ऐसी दवाएं मिली जिनमें अफीम का प्रयोग होता है, लेकिन अफीम की खरीदारी का रिकॉर्ड कहीं नहीं था। वहीं नार्कोटेक सेल के जोनल डायरेक्टर ने बताया कि उनके पास गुप्त सूचना थी कि कुछ दवा कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट में खूब बिक रहे हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट में प्रयोग की जाने वाली अफीम की खरीदारी के रिकॉर्ड नहीं है। वहीं इस छापेमारी में नार्कोटेक्स ने एक संजय नाम के युवक को पकड़ा है। बहरहाल इस मामले में पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो केंद्र सरकार का अदारा है, इसके सब जोन है यहाँ पे चंडीगढ़ में, और हमें इतला मिली हुई थी कि जो कामिनी वृद्रावन रस है और कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी प्रिपरेशन जिसमें अफीम होती है, उसको यहाँ पे कुछ लोग रिटेलर्स होलसेलर्स मिल करके और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और अफीम से रिलेटेड एडिक्ट्स हैं उनको बेच रहे हैं, और इसको ब्लैक में बेचा जाता है जो कि कानून के उल्टा है। NDPS रूल्स जो कहते हैं कि प्रॉपर स्टॉक मेंटेनेंस होगा, और आयुर्वेदाचार्य जो भी जो इसके अंदर क्वालिफाइड होते हैं वो एक फॉर्म सी भर करके स्लिप देंगे जिसके ऊपर ही रिटेल करी जा सकती है दवाई। तो ये सारी चीज़ों का वायलेशन हो रहा था, और इसके बाद हमने एक पर्टिकुलर शॉप थी ऐसे मेडिसिन सेंटर, उसको चेक किया चौक फरीद के अंदर, जो कि इस चीज़ के लिए हमें पता चला था कि काफ़ी ज़्यादा दवाइयों को ब्लैक करता है, और इसने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी इस सारे ब्लैक करने की वजह से और इसको इलिसिट सेल्स वगैरह करके बनाई है। और इसके कुछ और भी यूनिट्स बने हुए हैं इसके अलग अलग जगह, एक एक दो दो छोटी छोटी शॉप्स और भी थी, तो सारी जगह साइमल्टेनियस रेड थी। और उस दिन मौके के ऊपर करीब 1200 टैबलेट्स मिली थी, 44 बर्शाशा की जो शीशियाँ मिली थी, और इसके अलावा 80,600 रुपये का कैश रिकवरी हुई थी जो एक या दो दिनों की सेल थी। आज फिर इसके फॉलोअप के अंदर एक और हमने इनके जो स्टोरेज हाउस है गोडाउन उसको चेक किया, जिसमें करीब 3452 के आसपास और कामनी वृद्रावन रस जो है उसकी गोलियां मिली हैं, जो भी अनअकाउंटेड है। अभी तक इन्होंने किसी किस्म का इनका कोई बिल सेल का रिकॉर्ड्स या कोई भी फॉर्म सी नहीं दिखाया है, वे सारा का सारा जिससे पता चलता है कि लीगली और अनऑथोराइज भी रन कर रहे थे जो है। उसके अलावा जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन होने और ये प्रॉपर स्लिप्स के ऊपर दिया जाना है। अभी तक हमने जो भी इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं किसी किस्म के भी इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री इसका कोई भी जवाब नहीं पेश किया। हमने इनको मौका दिया हुआ है कि अगर किसी किस्म के भी बिल हैं तो ये एक या दो दिन के अंदर हमें देख सकते हैं, बट अगर कोई भी किसी किस्म का भी अगर कोई ये ट्रांजेक्शन नहीं शो कर पाए तो जहाँ से सप्लाई हुई है विदाउट बिल वो भी लायबल हैं। उन्होंने किस तरीके से ये सारी की सारी जो NDPS नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के अंदर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको किस तरीके से ये विदाउट प्रॉपर रूल्स को फॉलो किए हुए दिया, और ये सेक्शन 21 के अंदर काफ़ी पनिशमेंट इसकी है, और इसकी जो टोटल जितनी भी वेट बनेगा उस हिसाब से फिर ये लायबल होंगे। क्या मैक्सिमम क्वांटिटी बन जाती है जो कि 2.5 किलो है ओवरऑल अफीम के जो कंपाउंड्स हैं इसकी, तो इनका तोल अगर 2.5 किलो से ऊपर होगा तो मिनिमम 10 साल की सजा है, और उससे अगर कम क्वांटिटी होगी तो अप टू 10 ईयर्स, कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कितनी सजा दी है होगी। देखिए ये तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के ऊपर हमने ये ऑपरेशन करा है, और अगर हमें ऐसी कोई इतला मिलती है तो हम जनरली भी जा करके सारे मार्केट में चेक कर सकते हैं। एम ये भी है हमारा कि भाई इस चीज़ के प्रति जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ही कानून के उलट है, और किसी भी किस्म की अफीम रिलेटेड मेडिसिन को इस तरीके से बेचना, वो भी खासतौर से अब्यूज़ के पर्पजेज़ के लिए विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जो है, इट इज़ डीम्ड टू बी ए सीरियस ऑफेंस। आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेनिंग अफीम, इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके लिए जो आयुर्वेदिक ड्रग कंट्रोलर ऑफ पंजाब हैं उनकी तरफ से एक स्पेशल कोटा और लाइसेंस जारी होना चाहिए। अगर आप ये कोई भी दवाई रखते हो जिसमें अफीम है और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, तो यू आर सपोज टू हैव ए लाइसेंस फ्रॉम द आयुर्वेदिक ड्रग कंट्रोलर ऑफ पंजाब, और उसके बाद डिस्पेंसेशन आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जब वो आपको फॉर्म सी भर के भेजेगा तो ही आप उसको करोगे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे। तो इतनी चीज़ है, जो कि कर पाएगा वो लीगली काम कर रहा है, जो ये नहीं कर रहा है वो फिर इलीगल काम माना जाएगा।